हेलो दोस्तों, वेलकम टू भीमो व्लॉग्स। आज के दिन हमारे लिए थोड़ा खुशी की बात है कि आज इतने दिनों बाद हमारा बाड़िया जुताई के लिए तैयार होने वाला है। आज मेरे चाचा आए हुए हैं क्योंकि हमारा पड़वा अभी तबीयत ख़राब है, तो उसको हल में नहीं फांद सकते हैं, उसको हल में बांध के मतलब जुताई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने चाचा को बुलाया है। तो उनके गाय बैल आए हैं, तो उन्होंने मेरे आने से पहले ही थोड़ा जुताई करके रख दिया था यहाँ पर। और बाकी का बाड़ी ये जुताई हो चुका है, जहाँ अभी चारा है। अब इन चारा को अब हाथी से निकाल के एक एक करके फेंकेंगे, क्योंकि अगर हम नांगर से तो जोत दिए हैं पर चारा अभी भी मिट्टी में फंसे हुए हैं, तो जिसके कारण ये नहीं अच्छे से नहीं हो पाए हैं। अब इनको हाथों से सफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब क्यारी बनाने की तैयारी करेंगे। इधर पर क्यारी बनाने के बाद ही अब हम इसमें सब्जी भाजी लगाने का तैयारी करेंगे। साथ में अभी ये दूसरा बाड़ी जो आप उधर आगे देख रहे हैं, वहाँ अभी बहुत सारे भाजी मक्का के डिंगाल लगे हुए हैं, अभी पौधे वो तो आप देखे हुए हैं कि कितना सारा है भाजी ये सब काटने के लिए। तो इन सब झंकाड़ी को भी आज काट कर साफ करेंगे, ये देख रहे हैं। तो ये सबको अभी साफ़ करना है, उसके बाद हम यहाँ पर क्यारी बनाकर सब्जी लगा सकते हैं। वैसे तो अभी मैं गाय चराने जा रहा हूँ, इनको पापा मम्मी लोग ही साफ़ करेंगे, तो फिर चलते हैं गाय चराने के लिए। फिर आगे देखते हैं आगे क्या हमको अच्छा चीज़ देखने को मिलता है और क्या शिक्षा मिलता है। तो चलो चलते हैं दोस्तों। ये चीताफल का पेड़ है, यहाँ पर चीताफल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये चीताफल लगे हुए हैं। वहाँ ऊपर एक चीताफल का दिख रहा है फल, उसको हम अब तोड़ते हैं। तो चलो हम इसको तोड़ लेते हैं, तो आपको चमगादड़ खा जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये चीताफल लगा हुआ दिख रहा है कि नहीं, अब इसको तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा चीताफल है जिसको हम तोड़ दिए हैं। ये मेरे हाथ में भी कितना बड़ा दिख रहा है, ये पक चुका है लगभग थोड़ा सा। अब इसको हम एक दिन के लिए गर्मी कपड़े में लपेट कर किसी बंद डिब्बा में रख देंगे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। आप ये देख रहे हैं पक चुका है। तो दोस्तों अब हम शार्क में आ गए हैं अंदर। ये हमारे पड़वा है, गाय हैं, बच्चे बंधे हुए हैं, अब इनको हम खोल के ले जाएंगे। जो इंतज़ार में है कि कब खोलेंगे और कब जाएंगे हम चरने, तो इनको मैं खोल लेता हूँ। तो हमने खोल लिया है, अब हम इनको ले जाते हैं। अभी ये छोटा है, बच्चा है, दूध पीता है, इसलिए इसको यहीं बांध के रखते हैं, इसको भी नहीं ले जाएंगे। ये है बाकी को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों इधर पर आया हूँ गाय चराने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि धूप है, मौसम खुला हुआ है, ये गाय चर रहे हैं। उधर पर नानी भी लेके आ गई है गायों को, भैंस हैं तो उधर चरा रहे हैं और मैं इधर बैठा हूँ। तो पूरा हरा भरा मौसम है और नीला जो एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नीला और हरा रंग बिल्कुल शांति एक सुकून का पल महसूस दिखता है, तो ये आपको दिख रहा है। तो मैं अभी अपने खेत में आया हूँ गाय चराते हुए, मेरे को कुछ अच्छा चीज़ें दिखे उसमें। ये आप ये देख रहे हैं पेड़ लगे हुए हैं, तो उस पेड़ में लगा है चिड़ियों का घोंसला। उतना अच्छा आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर ये धूप के कारण थोड़ा ब्लैकनेस आ गया है। आप ये देख सकते हैं
तो मेरे को वहाँ से दिखाई दिया कि इसमें कितने सारे घोंसले हैं। आप ये देख रहे हैं, ये घोंसला है, वो और भी घोंसले हैं वो सब। तो इनमें अभी चिड़िया हैं कि नहीं पता नहीं, पर कुछ दिनों पहले बहुत ही सारे चिड़िए थे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ देखने में एकदम मन को अच्छा लगता है, क्योंकि अब जंगलों में ये सब तो देखने जा नहीं सकते हम, और शहर में तो अब पेड़ के नामों निशान ही नहीं रहे हैं इतना ज़्यादा, बस केवल गार्डनों में हैं और रोडों किनारे थोड़े बहुत हैं। पर यहाँ पर इतना अच्छा लगता है मौसम, आप देख सकते हैं कितना हवा चल रहा है, आवाज़ से भी समझ सकते हैं, और शाम से ये लहराते हुए बाल भी देख सकते हैं कितना पंख हवा है। तो इतनी ताज़ी हवा हमको देखने को बहुत कम मिलता है जो महसूस कर रहा है हमको। तो ये बिल्कुल एकदम एक नया एहसास देता है हमको, ताज़गी का, शांति का, सुकून का। तो मैं कभी भी फ्री रहता हूँ तो मैं अधिकतर गाय चराने का सोचता हूँ, क्योंकि ये काम करने से एकदम मन को शांति सुकून मिलता है। क्योंकि हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता अपने मन को शांत करने का, तो ये पल बिल्कुल एक खुशनुमा सा लगता है। तो चले अब हम गाय चराने के चलते हैं, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, नहीं तो इधर उधर भाग जाएंगे, तो हम चलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे और आगे कितना हरा भरा मौसम है, यहाँ पर बिल्कुल सुकून सा महसूस होता है। आप भली शहर में रहते हों या कहीं पर भी रहते हों, फिर भी जो एक खालीपन महसूस होता है कि हम इतना कामकाज और अपने दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें सुकून का पल चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा जब रहता हूँ, घर में काम ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं गाय चराने आ जाता हूँ। तो मेरे को सुकून सा मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेचर के साथ मिलता हूँ, फिर आसपास इतना अच्छे चीज़ें देखने को मिलते हैं जो मन में बिल्कुल शांति पैदा करता है। तो हमें इसी प्रकार कभी भी कुछ भी खाली समय है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं, तो नेचर को देखना चाहिए, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, कितना हमको नेचर कभी हमसे कुछ लेता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ देते ही है। तो आज हमको इस नेचर से इतनी ताज़ी हवा आ रही है कि अच्छे से सांस ले सकते हैं, धूप है, विटामिन डी मिल सकता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप तो मेरे नज़ारा देख ही रहते हैं आसपास के गांव के, मेरे आसपास क्या है ये सब का। तो आज मेरे को शांति का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय दोस्तों।